पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा। इस गायक ने 90 के दशक में अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके आए हो मेरे। उनकी आवाज में ही कुछ ऐसा जादू है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने इस गायक ने अपने 3 दशक लंबे करियर में हजारों शानदार गानों को अपनी आवाज से सजाया है। ऐ मेरे हम सफर एक सरा। इस गायक ने जीवन की हर भावना को आवाज दी है और उनके गाने उम्र के हर पड़ाव के लोगों को पसंद हैं। उदित नारायण के गाने आपको घर में शादी समारोह के अवसर पर मुख्य रूप से सुनने को मिलेंगे। मेरे यार की शादी है, मेरे यार ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय। इनकी आवाज ऐसी थी कि इनकी आवाज को महान गायक मोहम्मद रफी की आवाज के साथ उनकी तुलना करके उनके जैसा बताया जाने लगा। जादू तेरी नजर खुशबू। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ आज के दौर के जाने माने गायक उदित नारायण के बारे में, जिन्होंने अब तक 34 भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। मेहंदी लगा के रख और जिनकी गायकी की दुनिया में बहुत ऊंचा मुकाम है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद भी उदित नारायण के मन में सुसाइड करने के ख्याल आते थे। यही नहीं, एक बार उदित नारायण एक कंट्रोवर्सी का शिकार भी हो चुके हैं जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया था। यही नहीं, कामयाबी के शिखर पर पहुँचने के बाद भी उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके नाम से सुपारी भी दी गई थी और वो इस सबसे परेशान होकर सुसाइड करने की सोच रहे थे। इस वीडियो में उदित नारायण के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, उदित नारायण का जन्म बिहार के सुपौल में 1 दिसंबर 1955 में एक मैथिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम उदित नारायण झा है। इनके पिता का नाम हरे कृष्ण झा था और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता एक किसान थे जबकि माता एक लोक गायिका थी, जिसकी वजह से उदित नारायण को गायक बनने का प्रोत्साहन मिला। उदित नारायण की आरंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई उन्होंने काठमांडू में की। उन दिनों वो अपना करियर बनाने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे। अपना खर्चा चलाने के लिए वो होटलों में गाया करते थे। वो करीब 10 साल तक अपनी बेहतरीन आवाज के दम पर इधर उधर या होटलों में गाना गाकर अपना पेट पालते रहे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1970 में नेपाल के रेडियो स्टेशन पर मैथिली और नेपाली लोकगीत गाकर की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नेपाली फिल्म सिंदूर से की थी। हालांकि इस फिल्म से उनको कोई खास पहचान नहीं मिली, लेकिन इसके बाद वो संगीत का प्रशिक्षण लेने मुंबई आ गए। उदित नारायण ने 1980 में जब बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की, उस समय राजेश रोशन एक संगीत निर्देशक थे। उन्होंने इनके हुनर को पहचाना और 1920 फिल्म के लिए उनको महान गायक मोहम्मद रफी के साथ गाने का अवसर दिया, जिनको वो अपना गुरु मानते थे। अब नहीं गम सोई जागी तकदीर सोई न हो भाई से भाई जुदा। बाद में उन्होंने देवानंद के लिए एक दोहा गाया था और उसके बाद ही उदित नारायण को सन्नाटा फिल्म में गाने का अवसर मिला और उसके बाद 1983 में उन्हें बड़े दिलवाला फिल्म में गाने का अवसर मिला। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य फिल्मों में गाने गाए। हम भी बड़े दिल वाले। 1983 के बाद उनको लता मंगेशकर के साथ गाने का अवसर मिला और उस गाने के निर्देशक आरडी बर्मन थे। इसके बाद उन्होंने और भी कई सारे मशहूर सिंगरों के साथ गाने गाए। उन्होंने किशोर कुमार बप्पी लहरी के साथ भी गाने गाए। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। उन्होंने 1985 में नेपाली फिल्म में गानों में अभिनय भी किया। इस फिल्म का नाम कुसुमे रुमाल था और फिर उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन आया
जब इनको 1988 में रिलीज हुई फिल्म कयामत से कयामत तक फिल्म के लिए गाने गाने का अवसर प्राप्त हुआ। केले हैं तो क्या गम है। दरअसल जब वो बॉलीवुड में सिंगिंग में अपना करियर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे तो एक दिन उनकी मुलाकात गीतकार अनजान से हुई। उन्होंने उदित नारायण को म्यूजिक डायरेक्टर चित्रगुप्त से मिलवाया। उसी वक्त चित्रगुप्त ने उदित नारायण को अपने बेटों आनंद और मिलिंद से मिलवाया। मिलिंद चित्रगुप्त और आनंद चित्रगुप्त कयामत से कयामत तक का म्यूजिक कर रहे थे। ऐ मेरे हम सफर एक सराय इंतजार। उन्हें भी उदित की आवाज पसंद आई। इसके बाद उदित नारायण को पापा कहते हैं गाना गाने का मौका दिया गया। इस फिल्म में इन्होंने अलका याग्निक के साथ मिलकर सभी गाने गाए और सब एक से बढ़कर एक थे। ऐ मेरे हम सफर, गजब का है दिन, अकेले हैं तो क्या गम है सभी। सुन सदा दे रही है मंजिल प्यार, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं बस। और इन गानों को फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस गाने के बाद उदित नारायण रातों रात बॉलीवुड इंडस्ट्री के सिंगिंग स्टार बन गए। अगर आज भी उदित नारायण से उनका प्रिय गाना पूछा जाए तो वो इसी गाने का नाम बताते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा। इस गाने के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा के कई बेहतरीन संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। उन्होंने मशहूर संगीतकारों जैसे A.R. रहमान, R.D. बर्मन, जगजीत सिंह, विशाल भारद्वाज आदि के साथ काम किया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी, हम दिल दे चुके सनम, लगान और स्वदेश जैसी कई हिट फिल्मों के लिए गाने गाए। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं उदित नारायण अब तक 34 भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गाने गा चुके हैं। वो हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, भोजपुरी और बंगाली भाषा में गाने गा चुके हैं। उन्होंने लता मंगेशकर के साथ 200 से ज्यादा गाने गाए हैं और उनके साथ 8 बार लाइव शोज भी किए हैं। फिलहाल वो भोजपुरी गाने ज्यादा गाते हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी भोजपुरी और मैथिली फिल्में बनाती है। उन्हें गायकी में उनके योगदान के लिए साल 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं। जाको रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला। इसी बीच उनके जीवन में एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने सुसाइड करने के बारे में सोचा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है का उन्होंने गाना गाया था और वो फिल्म हिट हो गई थी। और उसके बाद उन्हें तरह तरह की धमकी भरे फोन कॉल आने का सिलसिला शुरू हो गया। धमकी भरे कॉल्स का सिलसिला 1998 से लेकर 2019 तक चलता रहा। वो कहते हैं कि इसी बीच उनके नाम की सुपारी भी दी गई थी। वो इस सबसे परेशान होकर सुसाइड करने का सोच रहे थे। एक बार वो एक कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार भी हो चुके हैं जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया था। कम ही लोग जानते हैं कि उदित नारायण ने 2 शादियां की हैं जिसे उन्होंने काफी समय तक छुपाकर रखा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उदित नारायण ने 1984 में बिहार में रंजना नाम की एक महिला के साथ शादी की थी। उस समय वो बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम नहीं थे और उन्हें अपना करियर बनाना था। ऐसे में वो अपनी पत्नी को छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई में उनकी मुलाकात दीपा गहतराज से हुई जो खुद एक सिंगर हैं और दोनों को प्यार हो गया। दोनों 1985 में शादी के बंधन में बंध गए और दोनों का एक बेटा है आदित्य नारायण जो खुद एक प्लेबैक सिंगर है। पहली पत्नी रंजना नारायण को जब उदित नारायण की दूसरी शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने दावा किया कि वे उनके पति हैं, लेकिन उदित नारायण ने इस बात से इनकार कर दिया। इसके बाद रंजना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तस्वीरें डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जिसे देखने के बाद कोर्ट ने उदित नारायण को अपनी दोनों पत्नियों के साथ जिंदगी गुजारने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों, आप उदित नारायण के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास उदित नारायण से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर
फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।